अब नींद ने भी मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। क्या मिला तुम्हें ये सब करके, और क्या मिल जाएगा इन पैसों से तुम्हें? मैंने तुम्हें एक अच्छा इंसान समझा। डैड ने मुझसे कहा था कि तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है, हमारी उम्र के फर्क से नहीं। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। तुमसे शादी की ना चाहते हुए भी डैड ने अपना बिजनेस तुम्हारे नाम कर दिया। समाज से तुम्हें इज्जत मिली और तुमने डैड के एक्सीडेंट का केस बंद करवा दिया, और मुझे मेंटली टॉर्चर कर करके बीमार कर दिया। अब मैं सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रही हूं करण। लेकिन एक बात तुम हमेशा याद रखना कि किसी को दुख और तकलीफ पहुंचाकर तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। एक बीमार इंसान को इतना हाइपर नहीं होना चाहिए, सेहत के लिए खराब होता है। लुक एट मी कनिष्का, मेरे जैसा लड़का किसी भी लड़की का सपना होता है। तुम अपने मिस्टर राइट का इंतजार कर रही थी जो तुम्हें मुझ में मिला। तुमने इसकी कीमत चुकाई है कनिष्का, मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। एक सवाल जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, जवाब दोगे? आज जो चाहे पूछ लो, सच बोलूंगा। आई ओ यू दैट एट लीस्ट। डैड का एक्सीडेंट तुमने करवाया? हाँ, मैंने ही कराया है तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट। और एक और सच बताऊं, तुम्हारी यह हालत भी मेरी ही वजह से है। तुम्हारी डॉक्टर मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं तुम्हारा मिस्टर राइट था कनिष्का, लेकिन तुम मेरी ड्रीम गर्ल नहीं, किसी भी एंगल से नहीं। अगले जन्म में ना थोड़ी समझदारी दिखाना। गुड बाय कनिष्का, विश यू वेरी अनहैप्पी एंड अ वेरी अनसेफ जर्नी। बिच। Don't you know what you've done to me when I was with you?